हेलो स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी है जिसके अंदर दे रखा है स्काई सेल्स इज द जनरल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस दैट यूजेस एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी टू मूव अ वेसल इन द सी वाटर। द स्काई सेल्स टेक्नोलॉजी अलाउज द टोइंग काइट टू गेन अ हाइट ऑफ एनीथिंग बिटवीन 100 to 300 meters। द सेलिंग काइट इज मेड इन सच अ वे इट कैन बी रेज टू इट्स प्रॉपर एलिवेशन एंड देन ब्रॉट बैक विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोपिक मास्क दैट एनेबल द काइट टू बी रेज प्रॉपरली एंड effectively based on the following figure related to sky sailing answer the questions। हमें इसकी figure दे रखी है, इसके basis पे हमें answer देना है। In the given figure tan theta is equals to cot 30 minus theta where theta and 30 plus theta are acute angle then find the value of theta। हमें सिर्फ theta की value find out करनी है। अब हम लोग देखें tan theta को हम लोग कैसे लिखते हैं, cot 90 minus theta भी लिख देंगे is equals to, यहाँ पे तो cot 30 plus theta है ही already। अब कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस थीटा, थीटा को एक तरफ ले गए बाकी टर्म को एक तरफ, 60 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। और हमें टेन 30 एंड कॉस 60 की वैल्यू निकालें, टेन 30 इज 1/√3, कॉस 60 इज ऑल्सो 1/√3, मल्टीप्लाई किया 1/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला केस स्टडी है जिसके अंदर हमें दे रखा है एक लैडर है जिसके रंग्स 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो सीरियां हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरियों पर हैं। द रग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, जो रग्स है वो डिक्रीज हो रही हैं यूनिफॉर्मली लेंथ के अंदर 45 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का, बॉटम की 45 है टॉप की 25 है। द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 meters, ये टॉप और बॉटम की 2.5 meters दूरी पर है। फाइंड द नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 meters कह रहा है, तो टू एंड नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे हम लोग, 2.5 यानी 5/2 meters है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए इनटू 100 डिवाइड बाय पर जो रंग्स है, यानी एक रंग से दूसरी रंग्स के दो लैडर्स के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ये 250 by 50 25 10 आ गया प्लस 1। वन क्यों करा, क्योंकि हम एक इस रंग्स को भी काउंट आउट करेंगे, तो देयर टोटल नंबर ऑफ रंग्स इज 11। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कितनी लेंथ ऑफ द वुड जरूरत है इस रंग्स के लिए, तो हम बेसिकली इसमें एस 11 निकालेंगे, एन अपॉन में 2 ए प्लस एल का फॉर्मूला लगाकर, एन इज 11/2, ए इज 25 क्योंकि हम ऊपर से स्टार्ट आउट करेंगे एंड एल इज 45, तो 11/2 70 385 सेंटीमीटर आ गया। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन सैम्पल पेपर के अंदर नंबर ऑफ रंग्स वाला।